फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का साधन नाम जप। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त भगवंदन से मुक्ति प्रदान करने वाला दूसरा कोई और साधन नहीं है। कलयुग में भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल किंतु प्रबल साधन उनका नाम जप ही बताया गया है। श्रीमद् भागवत का कथन है, यद्यपि कलयुग दोषों का भंडार है, तथापि इसमें एक बहुत बड़ा सद्गुण यह है कि सतयुग में भगवान के ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा, द्वापर युग में पूजा अर्चना से जो फल मिलता था, कलयुग में वह पुण्य फल श्रीहरि के नाम संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कृष्ण यजुर्वेद कलि संतारण उपनिषद में लिखा है कि द्वापर युग के अंत में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कलयुग में कलयुग के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय पूछा, तब सृष्टिकर्ता ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण से मनुष्य कलयुग के दोषों को नष्ट कर सकता है। नारद जी के द्वारा उस नाम मंत्र को पूछने पर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह नाम मंत्र कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय सारे वेदों में भी देखने को नहीं मिलता। इस महामंत्र के द्वारा षोडश कलाओं से आवृत जीव के आवरण नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात जैसे बादल के छट जाने पर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठती हैं, उसी तरह पर ब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। नारद जी के द्वारा नाम मंत्र के जप की विधि पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, इसके जप की कोई विशिष्ट विधि नहीं है। कोई पवित्र हो या अपवित्र, इस नाम मंत्र का निरंतर जप करने वाला मुक्ति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव शंकर ने भगवती पार्वती को कलयुग में जीवों की मुक्ति का उपाय बताते हुए इस महामंत्र की उपयोगिता का रहस्योद्घाटन करते हुए कहते हैं, कलयुग में श्री हरि नाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पापों को नष्ट नहीं कर सकता। कलयुग में इस मंत्र का संकीर्तन करने मात्र से प्राणी मुक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। पद्म पुराण का कथन है कि 32 अक्षर वाले इस महामंत्र को नित्य जपने वाला वैष्णव देह त्यागने के उपरांत भगवान के धाम को जाता है। ब्रह्मांड पुराण में महर्षि वेदव्यास महामंत्र की महिमा का वखान कहते हुए कहते हैं, इस नाम मंत्र को ग्रहण करने से देहधारी प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है और वह समस्त पापों से मुक्त होकर सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है। भव सागर से पार उतारने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। इस महामंत्र की दीक्षा में मुहूर्त के विचार की आवश्यकता नहीं है। इसके जप में ब्रह्म पूजा की अनिवार्यता नहीं है। केवल उच्चारण करने मात्र से यह संपूर्ण फल देता है। इस मंत्र के अनुष्ठान में देश काल का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री हरि के नाम संकीर्तन में देश काल का नियम लागू नहीं होता। झूठे मुंह अथवा किसी भी प्रकार की अशुद्ध अवस्था में भी नाम जप करने का निषेध नहीं है। श्रीमद् भगवत महापुराण का तो यहाँ तक कहना है कि जप तप एवं पूजा पाठ की त्रुटियां एवं कमियां श्रीहरि के नाम संकीर्तन से ठीक और परिपूर्ण हो जाती हैं। हरि नाम को जपने वाले की अपेक्षा उच्च स्वर से हरि नाम का संकीर्तन करने वाला अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जपकर्ता केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, जबकि नाम कीर्तनकारी स्वयं के साथ साथ सुनने वालों का भी उद्धार करता है। वेद रामायण महाभारत और पुराणों में आदि मध्य और अंत में सर्वत्र श्रीहरि का ही गुणगान किया गया है। नारदीय पुराण का सुस्पष्ट उद्घोष है, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।